है आपका अपने चैनल टुगेदर होम पर। तो आज एक खास लोकेशन और खास घर, और घर के साथ ग्रीनरी भी बहुत खास है यहाँ पर जो हम आज देखने आए हैं। बिल्कुल 3 BHK के हमारे अपार्टमेंट्स रहेंगे, सोसाइटी हमारी ग्रीनरी के साथ लेस रहेगी, पूरी इलेक्ट्रॉनिक और मैन पावर सिक्योरिटी यहाँ पर पूरी रहने वाली है। और जो दोस्तों घर हम देखेंगे 3 BHK रहेंगे, काफ़ी अच्छे स्पेशियस हैं और ये कम्प्लीट अपार्टमेंट है। कम्प्लीट कहने का मतलब मेरा ये है कि यहाँ पर जो हमें है 3 बेडरूम हॉल किचन के साथ बड़ी बड़ी बालकनी हमें पूरी मिलेंगी, और वॉशरूम हमें तीनों मिल जाएंगे, कॉमन वॉशरूम यहाँ पर मिल जाएगा, पूजा स्पेस हमें मिल जाएगी, प्लस स्टोर हमें मिल जाएगा। तो एक कम्प्लीट चीज़ है। और लोकेशन की बात करूँ तो बिल्कुल हाईवे के ऊपर, रोपड़ हाईवे के ऊपर, चंडीगढ़ से महज आपका 8 मिनट की जो डिस्टेंस रहेगा यहाँ पर। कनेक्टिविटी बहुत ही शानदार। तो दोस्तों पूरी वीडियो को देखना, मिस मत करना, स्किप मत करना और मज़े लेना। तो दोस्तों हम पहुंच गए ऑलमोस्ट अपने अपार्टमेंट के पास, ठीक स्टेज के। हमारे एक थर्ड फ्लोर में 2 ही अपार्टमेंट रहेंगे और ये हमारा अपार्टमेंट यहाँ से शुरू हो जाता है। तो मेन एंट्रेंस जो रहेगा हमारा 8 फीट का रहेगा, और ऊपर भी इसमें आपको थोड़ा सा रोटेशन दान मिल जाता है जो कि बड़ी अच्छी चीज़ है। आजकल ये ख़त्म होते जा रही है। और मेन एंट्रेंस जो जैसे हम ओपन करते हैं तो हमारे पास एक लाजवाब सा ड्राइंग और डाइनिंग एरिया आ जाता है। जी हाँ, काफ़ी अच्छी स्पेस है यहाँ पर। पूरी 21 फीट की लेंथ रहेगी हमारी और 12 फीट की इसकी जो रहेगी विड्थ रहेगी। और 21x12 का मतलब ये हो जाता है कि जो हमारे पास स्पेस है वो वाकई बड़ी अच्छी स्पेस है। आप इजीली कहीं पे भी मूवमेंट जो करने चाहते हैं वो कर सकते हैं। इजीली आप अपना जो है सोफा सेट यहाँ पर रखिए। हमने अब यहाँ पर 5 सीटर रखा है, अगर आप यहाँ पर 7 सीटर भी रखना चाहते हैं तो यहाँ स्पेस हमारे पास बहुत ज़्यादा है, आप इजीली रख सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपके 7 सीटर रखने के बाद यहाँ पर अगर स्पेस कोई शायद कम होगी, नहीं बिल्कुल भी नहीं। सेंटर टेबल रखा हुआ है, एक अच्छी चीज़, एक अच्छा डिज़ाइन। और ठीक इस तरफ हमारे पास जो है हमारी डाइनिंग टेबल हमारा आ जाता है जो कि 6 सीटर है, एक अच्छे डिज़ाइन के साथ। ये डिसेंट सा डिज़ाइन यहाँ पर रखा गया है, ऐसा नहीं है कि बहुत अलग रखा गया हो या फिर बड़ा या छोटा रखा गया हो। तो इसलिए जो हमारी स्पेस है वो पूरी मैनेज की गई है एक अच्छे तरीके के साथ। यहाँ पर जो डिज़ाइन है वो वाकई बड़ा लाजवाब है। और देखिए इतनी स्पेस हमारे पास यहाँ पर बहुत अच्छे से खाली पड़ी है। तो स्पेस खाली होने का मतलब ये होता है कि जब आप किचन से बाहर निकलते हैं, किसी रूम में जाते हैं या किसी रूम से किचन की तरफ जाते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होती आने जाने के अंदर। और ठीक हमारे इस ड्राइंग एरिया में यहाँ पर हमारे पास एक बड़ी सी खिड़की हमें मिल जाती है जहाँ से जो रोशनी है वो पूरा दिन आपके सारे रूम्स के अंदर आती है। तो वाकई बड़ी अच्छी चीज़ है। और जैसे मैं इसको हटाता हूँ तो हमारे पास यहाँ पर UPVC विंडो मिलती है और साथ में एक बड़ा सा हमारा ग्रास कारपेट वाली बालकोनी, वाकई लाजवाब चीज़ है। देखिए पूरी खिड़की आपकी बड़ी सी, ये एक अलग मज़ा होता है जब आपके पास बड़ी बड़ी खिड़कियाँ होती हैं, एक अच्छी चीज़ आपको मिल जाती हैं। तो बड़ी हाइट की आपकी जो रेलिंग हमें यहाँ पर मिलेगी, आप इजीली यहाँ पर चाय का मज़ा लें, 2 चेयर्स लगाएं, 1 टेबल लगाएं। स्पेस यहाँ पर बहुत अच्छी है, एक अच्छी मैनेजमेंट है। वापस अंदर की तरफ से बढ़ते हैं और ठीक हमारे ड्राइंग एरिया के अंदर हमें यहाँ पर एक स्पेस मिलती है, पूजा स्पेस। जी हाँ, काफी अच्छी स्पेस है यहाँ पर, अच्छे मैनेज की गई है। तो आपको पूजा रूम नहीं यहाँ पर दिया गया, स्पेस आपको दी गई है। तो अगर आपको लगता है कि हमें रूम चाहिए तो उसके लिए यहाँ पर स्टोर रूम यहाँ पर हमने दिया है, आप इसको पूजा रूम में कन्वर्ट कर सकते हैं। यूजली हम पूजा रूम नहीं बनाते कहीं पे, कई बार इस स्पेस की थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है तो इसलिए आपको अलग से एक स्पेस दे दी गई है। तो जैसे आपको ठीक लगे वैसे आप यहाँ पे इसको डिजाइन कर सकते हैं अपने हिसाब से। और ठीक इस सब जो है हमारी किचन आ जाती है, एक अच्छी किचन है, काफी अच्छा डिजाइन है, ऑलमोस्ट यू शेप के अंदर आपको मिल जाता है। कलर्स यहाँ पे बहुत अच्छे यूज किए गए हैं, नीचे आपका पूरा वुडन पैटर्न के अंदर आपको सनमाइका मिल जाएगा और ऊपर जो है व्हाइट कलर भी मिल जाएगा। तो एक अच्छी लुक यहाँ पर आपको नजर आती है, बिल्कुल देखने में लगता है कि यहाँ एक लग्जरी चीज जो है हम देख रहे हैं और हमें मिल रही है। शेल्फ आपकी जो रहेगी या टॉप रहेगा आपका बिल्कुल ग्रेनाइट का रहेगा, एक अच्छा डिजाइन, एक अच्छा कलर यहाँ पर दिया गया है जो मैचिंग से है आपकी नीचे इस कलर के साथ। और ठीक इसके ऊपर आपको टाइल्स मिल जाती हैं यहाँ पर, वो भी बड़े अच्छा कलर का दिया गया है। और इस तरफ हमें चिमनी मिल जाती है और कैबिनेट्स आपके यहाँ पर पूरे मिलेंगे। कैबिनेट्स जो है हमें यहाँ पर पूरे मिल जाते हैं, आपके पास काफी अच्छी स्पेस यहाँ पर मिल जाती है।
आप जितना भी सामान रखना चाहते रख सकते हैं, शेल्फ लगानी तो लग जाएगी। काफी अच्छे यहाँ पे इस कॉर्नर से लेके इस कॉर्नर तक सारे आपको कैबिनेट्स पूरे मिल जाएंगे। और ठीक इस तरफ आपको डबल सिंक मिल जाएगा, इसके साथ जो है आपको डिजाइनर टैप्स जो कि जैगुआर की तरफ से वो आपको सारे मिल जाएंगे। ठीक टैप्स के ऊपर आपको खिड़की पूरी मिल जाती है, ऊपर एग्जॉस्ट फैन, और यहाँ पर आपके जो है सिंक, सॉरी माफी चाहूंगा, यहाँ पर आपका जो गीजर लगेगा वो आपको पूरा मिल जाएगा। ठीक नीचे आपके कैबिनेट्स पूरे मिल जाते हैं हमें। काफी हैवी मटेरियल है यहाँ पर, किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है, आप इजिली रफ टफ इसको यूज करेंगे इस किचन को। पर स्पेस हमें फ्रिज की यहाँ पर मिलने वाली है। तो 11x7 की हमें किचन मिलती है जो कि काफी अच्छे तरीके से डिजाइन की गई है, बिल्कुल कंप्लीट किचन। तो बढ़ते हम आगे की तरफ। ठीक हमारे इस तरफ जो रहेगा हमारा फर्स्ट बेडरूम, क्योंकि वाकई बड़ा शानदार साइज मुझे यहां से लग रहा है, बिल्कुल 17x11 का साइज है यहाँ पर। तो 17x11 का मतलब हो जाता है कि काफी अच्छा खासा साइज हमें मिल जाता है। आप बेड लगाइए, बेड के बाद आपको जो चीज लगती है रखने की वो आप रखिए, जैसे यहाँ पर हमने स्टडी टेबल डेमो में रखा हुआ है, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि यहाँ पर कुछ और चीज रखनी है तो वो भी रख सकते हैं। काफी अच्छी स्पेस है आपके पास इजीली मूवमेंट करने के लिए, किसी भी तरफ मूवमेंट कर सकते हैं। और ठीक इस तरफ हमारी अलमीराज मिल जाती है जो कि सीलिंग की हाइट तक रहेंगी। काफी अच्छी स्टोरेज हमें पूरी मिलती है यहाँ पर, डबल लेमिनेशन है सारी की सारी, ड्यूरेबल है, आपकी जल्दी जल्दी कहीं नहीं जाएगी। स्पेस हमें पूरी मिलती है, नीचे हमारे पास जो है शू रैक पूरा मिल जाएगा। ठीक इस तरफ भी डबल अलमीरा पूरी सीलिंग की हाइट तक। और जो पूरे रूम के अंदर जो स्पेस है वो वाकई लाजवाब, आप जैसे मूवमेंट करना चाहते हैं वैसे कीजिए। और यहाँ पर जो हमें वॉशरूम मिलता है वो अटैच, काफी अच्छे कलर यहाँ पर यूज किए गए हैं, सूदिंग से कलर्स है हर वॉशरूम के अंदर। अगर आप देखेंगे ना कलर्स आपको जो मिल रहे हैं वो काफी अच्छे हैं, सारे आपका सैनिटरी के सिंक और सीट मिलने वाली है। और उसके ऊपर ठीक जो हमारे टैप लगे हैं वो आपके जैगुआर के रहेंगे। ये मिरर फिनिश यहाँ पर हमें मिल जाती है, खिड़की हमें मिल जाती है, कुल मिला के एक अच्छा साइज हमें मिल जाता है वॉशरूम के अंदर, ऐसा नहीं लगता कि कोई कमी रह गई हो कहीं पे। और ठीक यहाँ पर हमारे पास हमारे खिड़की जो कि सीलिंग की हाइट तक रहेगी, काफी अच्छा साइज है, ताकि सारा दिन जो हमारे घर के अंदर है लाइट पूरी आती रहे। ये खास चीज होती है, अगर आपकी खिड़कियां बड़ी बड़ी हो तो आपके घर के अंदर जो लाइट है वेंटिलेशन है वो पूरा बड़ा अच्छा रहता है। तो यहाँ भी हमारे पास एक रनिंग बालकोनी मिलेगी, जैसे हमारे पास पहले 16 फीट की थी वैसे यहाँ पर भी 16 फीट की है, 5x16 थी यहाँ पर 4.5x16। टैप हमें मिल जाता है, इजीली आप अपनी वॉशिंग मशीन रखिए, पावर पॉइंट हमें यहाँ पर मिल जाएंगे, सॉकेट पूरे मिलते हैं, इजीली आप वॉशिंग मशीन रखें, वॉशिंग और क्लोथिंग यहाँ पर आराम से हो जाएगी आपकी। और जितने भी हमारे बेडरूम हैं सबकी जो खिड़कियाँ हैं वो इस तरफ आ जाती हैं, तो वेंटिलेशन आपकी हर तरफ से पूरी प्रॉपर रहेगी, कहीं पर भी आपको ये दिक्कत नहीं आएगी कि आपके घर के अंदर अभी लाइट नहीं आ रही है। और ठीक ये जो स्पेस आपको पीछे की तरफ नज़र आ रही है ये कुछ ही महीनों में हो जाएगी, अराउंड 3 महीने में यहाँ पर पोजेशन शुरू हो जाने वाला है। तो जब तक आप आएंगे यहाँ पर तब तक यहाँ पर सारा कुछ हमें तैयार मिल जाएगा, क्योंकि स्ट्रक्चर जितने भी हैं सारे रेडी हैं, प्लास्टर वर्क सारा हो चुका है, अब पेंटिंग वाला काम जो है वो शुरू हो चुका है। तो यहाँ हमें किसी चीज़ की कमी नहीं होने वाली है, किसी चीज़ के लिए हमें वेट नहीं करना पड़ेगा। तो बढ़ते हैं दोस्तों वापस अंदर अपने ड्राइंग एरिया की तरफ, जहाँ से हमारा कनेक्टेड रहेगा सेकेंड बेडरूम, और जितने भी बेडरूम्स हैं या किचन है स्टोर है वो सब हमारे इस ड्राइंग एरिया के साथ कनेक्टेड है। तो इसका फायदा हमें ये हो जाता है कि वेंटिलेशन और लाइट हमारे घर के अंदर सारा दिन रहने वाली है। और ये हमारा सेकंड बेडरूम, और सेकंड बेडरूम से पहले हमारे पास यहाँ पर हमारा वॉशरूम आ जाता है। काफी अच्छी स्पेस है यहाँ पर भी, एक अच्छे डिजाइन और कलर्स के साथ हमें ये वॉशरूम पूरा मिल जाता है, कि वुडन फीलिंग एक लग्जरी फीलिंग हमें यहाँ पर मिल जाती है। हम इसे एक तरह से ये भी बोल सकते हैं कि अगर हमारा गेस्ट आता है तो यहाँ से सीधा हम बिना रूम में एंटर किए उसे अपने वॉशरूम में ले जा सकते हैं। एक अच्छा कॉन्सेप्ट है ये अंदर भी हो गया और ये बाहर भी है, बजाय इसके कि दो दरवाजे रखे जाए आप सिंगल एक डोर से अपना काम चला सकते हैं। एक अच्छा डिजाइन है यहाँ पर ये। बढ़ते अपने बेडरूम की तरफ, यहाँ पर हमारा सेकंड बेडरूम आ जाता है जो कि काफ़ी अच्छी स्पेस और अच्छा डिज़ाइन है,
वैसे ये किड्स बेडरूम है आपका, 12x11 का रहेगा, काफी अच्छा साइज है किड्स बेडरूम के हिसाब से भी। फ्लोरिंग आपकी सारी जो रहेगी वुडन कॉन्सेप्ट के अंदर टाइल्स आपको मिलने वाली हैं। अगर आपको लगता है कि आपको वुडन टाइल्स ही चाहिए तो वो भी हो जाएगा, बट जो हमारे टाइल्स होती हैं ये थोड़ी ज़्यादा ड्यूरेबल होती है, तो इसलिए हम वुडन नीचे फ्लोरिंग करते नहीं हैं। काफ़ी डीप है, अच्छी अलमीराज आ जाती हैं यहाँ पर। पूरे घर के अंदर जो कॉन्सेप्ट दिया गया है छोटा छोटा करके, काफ़ी अच्छा दिया गया है, पूरी स्पेस को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज किया गया है। काबिले तारीफ है कि अगर आपके पास 1500 square feet की स्पेस हो या 1475 की, और उसको अच्छे से मैनेज किया दिया जाए तो हर चीज़ निकल आ जाती है। और ठीक हमारे पास यहाँ पर जो है बड़ी सी खिड़की हमें मिल जाती है, जैसा हमने पहले देखा, एक बड़ी सी खिड़की जहाँ से पूरा दिन रोशनी पूरे घर में आती रहेगी। और डोर हमें भी यहाँ पर भी मिल जाता है, ताकि आप यहाँ से भी किसी भी खिड़की से अपनी जो बालकनी है उसका पूरा मजा ले सके। और थोड़ा सा इस तरफ आएंगे, हमारा थर्ड बेडरूम जो कि एंट्रेंस डोर के बिल्कुल ऑलमोस्ट पास में है। सेम आपका 17x11 का हमारा बेडरूम रहेगा, काफी अच्छा साइज है, काफी अच्छा डिजाइन है, कॉन्सेप्ट इस घर का मुझे काफी अच्छा लगा कि हमारे पास स्पेस है वो पूरी मिलती है इस घर के अंदर, उसकी कोई कमी नहीं आएगी। वार्डरोब्स आपके सीलिंग की हाइट तक रहेंगे पूरी की पूरी, काफी अच्छे डिजाइन के साथ। ठीक, इस तरफ भी छोटी सी स्पेस हमें यहां मिल जाती है, अगर आपको लगता है कि यहां लुकिंग मिरर लगाना तो वो भी लग जाएगा, स्पेस हमारे पास काफी अच्छी है। तो ये 17 feet का बेडरूम मतलब स्पेस ही स्पेस, और लाजवाब स्पेस। और ठीक इसके यहाँ पर हमारे पास अटैच वॉशरूम, तो 3 bedroom के साथ 3 washroom, आपकी बड़ी बड़ी बॉल्कनीज, हर चीज पूरी, पूजा रूम, पूजा स्पेस, स्टोर रूम, हर चीज हमें मिल जाती है यहाँ पे। डिजाइन जितने दिए गए काफी अच्छे दिए गए, हर वॉशरूम के अंदर जितना भी कलर्स है हमें या टाइल्स मिलती है, एक सूदिंग से कलर्स है, देखने में अच्छे लगते हैं, ब्रांड के साथ डिजाइन पूरा हमें यहां मिलता है। ठीक यहाँ पर हमारे पास जो है हमारी खिड़की आ जाती है जो कि सीलिंग की हाइट तक रहेगी, और डोर आ जाता है ताकि हम अपने जो बालकनी है उसे यूज कर सके कहीं से भी। तो दोस्तों ये था हमारा आज का 3BHK जो कि बहुत शानदार डिजाइन आपका दिया गया है। उम्मीद है आपको वीडियो आज की अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी तो प्लीज एक लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले टाइम में जितने भी हाउसिंग वीडियोज है वो आपकी कहीं मिस ना हो। और दोस्तों कोई आपकी क्वेरी हो हमें फ़ोन कर सकते हैं, और कभी आपको आके देखना है तो आप मोस्ट वेलकम। दोस्तों इस वादे के साथ मैं आपको फिर मिलता हूँ एक नए घर के साथ, तब तक के लिए सत श्री अकाल।